हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अजय शंकर फ्रॉम एचआईएस, एंड टुडे आई एम बैक विद द एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ 10th of May 2024। आज भी मैंने तीन ही आर्टिकल्स को निकाला है आप लोगों के लिए, पर ये तीन आर्टिकल्स जो है ना, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आर्टिकल्स है अरावली हिल्स के अराउंड की, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने नए माइनिंग्स पे रोक लगा दी है। ठीक है, तो हमारे लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अरावली रेंज कहाँ पे है, बाकी जो इम्पोर्टेंट रेंजेस है हमारे देश में वो कौन कौन से हैं, उनके लोकेशन क्या है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अरावली पे आया है, तो अरावली के अराउंड हम लोगों को कुछ चीजें जाननी होंगी। ठीक है, तो हम लोग अरावली के बारे में देखेंगे। दूसरा, एआई और साइबर सिक्योरिटी कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी के बीच का रिलेशन क्या है, उस बारे में जो है ये दूसरा आर्टिकल है। और तीसरा जो हमारा आर्टिकल है, ये इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ। तो ये इंटरपोल कौन सी चीज है, ये ब्लू कॉर्नर नोटिस कौन सी चीज है, और कौन कौन से नोटिसेस होते हैं, ये सारी नोटिसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आज के न्यूज में इंपॉर्टेंट था और किस तरीके से न्यूज के हिसाब से क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये जो पहला न्यूज है ना, ये है कि सुप्रीम कोर्ट एससी ने स्टॉप कर दिया है ग्रांटिंग ऑफ फ्रेश माइनिंग लीज रिन्यूअल्स इन अरावली। मतलब कोई भी फ्रेश माइनिंग लीज, माइनिंग मतलब क्या होता है, खनन, कोई भी नया खनन नहीं होगा अरावली हिल्स के आसपास। ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अरावली हिल्स है कहाँ। ये है हमारा प्यारा भारत, है ना, और इस भारत में, यहाँ पे हमारे देश में आप देखिए कितने सारे हिल्स हैं। सबसे पहले ये नॉर्दर्न साइड पे हिमालय, ये हिमालय है। ठीक है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट भारत का सिरमौर, ये नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी, और यहाँ इसके बाद यहाँ पे एक जैंतिया हिल्स होता है, गारो खासी जैंतिया, यहाँ पे ये हिल्स हो जाती हैं, काफी इंपॉर्टेंट। फिर इधर डाफला हिल्स है, अरुणाचल प्रदेश में, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो है ये आपके इधर हो गए, सह्याद्री वगैरह। लेकिन हमें इस न्यूज में स्पेशल फोकस कहाँ पे करना है, हमारा स्पेशल फोकस होगा अरावली के ऊपर। यह अरावली कहाँ पे है, यह अरावली ये लोकेशन में पड़ता है पैरेलल टू जो हमारा रेगिस्तान थार डेजर्ट का इलाका है, उससे पैरेलल में ये जो पहाड़ियां पड़ती हैं, ये अरावली रेंज की पहाड़ियां है। ठीक है, आप कभी दिल्ली में अगर देखोगे तो जेएनयू में जो पारासार्थी रॉक्स आपको पता होंगे, अगर होंगे, अगर कोई जेएनयू के बारे में जानता हो तो उनको जेएनयू में पारासार्थी रॉक्स उन्होंने देखा होगा या सुनते होंगे उसका नाम, को वो भी अरावली हिल्स का ही हिस्सा है। दिल्ली जो है हमारी, दिल्ली वो अरावली हिल्स पे ही बसी, तो हमें ये समझना हो कि अगर दिल्ली अरावली हिल्स पे बसी है, उसी के आसपास में बसी है, फरीदाबाद के कुछ इलाके आ जाते हैं, बदकर बकील के इलाके आ जाते हैं, ये जो रेंज है वो फिर कहाँ से स्टार्ट होगी, वो रेंज स्टार्ट होगी हमारी दिल्ली से। ठीक है, और वो दिल्ली से स्टार्ट करते करते कहाँ तक जा रही है, गुजरात तक। ओके, तो ये जो है अरावली, इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक है, सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा हूं मैं, पूरे दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक अरावली के फोल्ड माउंटेन्स है, और इनकी जो लेंथ है वो 670 किलोमीटर के आसपास है, मतलब दिल्ली से गुजरात तक कितने किलोमीटर में फैले हैं, 670 किलोमीटर में फैले हैं, स्टार्टिंग नियर दिल्ली, पासिंग थ्रू साउदर्न हरियाणा, राजस्थान एंड एंडिंग इन गुजरात, मतलब चार राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, चार स्टेट्स में फैली हुई है हमारी अरावली की पहाड़ियां। ओके, तो आप देखिए अब यहाँ से मैं एक आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोगों को देखना है यहाँ पे इस न्यूज में क्या लिखा है कि बैन जो है वो कहाँ कहाँ पे होगा, जो भी स्टेट जहां जहां से अरावली की पहाड़ियां
क्रॉस कर रही हैं उन सारे स्टेट्स पे ये बैन लगेगा। बैन क्या, जो टेम्प्रोरी बैन है कि उन जगहों पे नई माइनिंग लीज नहीं दी जा सकती है। तो कहाँ कहाँ नई माइनिंग लीज नहीं दे जा पाएंगी? दिल्ली में नहीं दे सकते हैं आप, हरियाणा में नहीं दे सकते हैं आप, राजस्थान में नहीं दे सकते हैं, और गुजरात में नहीं दे सकते। ये किसका ऑर्डर है? सुप्रीम कोर्ट। अब हिल है अरावली, तो अरावली हिल का कोई हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, उसका हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर, ठीक है, जो कि 5,650 फीट ऊंचा है। गुरु शिखर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट भी है। अब वो किस रिलीजन का है पिलग्रिमेज साइट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रीलिम्स में इससे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको एक बार खुद से गूगल सर्च करके बताइएगा तो ज्यादा याद रहे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउंट आबू भी इसी के पास में है, पॉपुलर हिल स्टेशन है माउंट आबू, अभी अरावली रेंज में ही पड़ता है। और यहाँ से दो तीन नदियां भी निकली, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जिसमें से एक नदी है लूनी, राजस्थान और कच्छ के इलाके में बहती है लूनी, लूनी रिवर, ठीक है। और एक है बानस और एक है साहिबी। ये जो साहिबी रिवर है, अगर कोई दिल्ली में रहता होगा, नॉर्थ कैंपस के साइड आया होगा, तो जो नॉर्थ कैंपस के पास का नाला जिसको कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली ये वही नदी है साहिबी नदी। ये वही नदी है जो अरावली रेंज से निकलती थी, कभी बहुत लहलहा के बहा करती थी, आज हम लोगों ने, ह्यूमंस ने उसको नाला बना दिया। ये वही नदी है साहिबी, बानस एंड लूनी। ये तीन रिवर्स जो हैं आपकी, ये यहीं से निकलती, अरावली रेंज से। और ये जो है थार डेजर्ट को सेपरेट करता है प्लेन से और प्लेटू से ईस्टर्न राजस्थान के। जैसे आप इसका लोकेशन देखेंगे, इसके लोकेशन में आपको साफ यहाँ पे पता चलेगा, इधर ये जो थार वाला इलाका है और राजस्थान, तो इधर भी फैला हुआ है, इन दोनों को ये सेपरेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर, जिंक, लेड और मार्बल बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे आपने सुना होगा ना, राजस्थान में मार्बल के माइंस है, कॉपर के माइंस है, ठीक है। ये सब अरावली रेंज के चलते ही है। और क्यों है? क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड का, और जब ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है तो वहां मिनरल्स भी होंगे, तो वही मिनरल्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। तो हमें अरावली रेंज के आसपास की बातें पता चल गई। अब हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन क्यों लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई और उसमें डिफाइन किया गया अरावली को, कहा गया कि इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए हिल्स में, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म 100 मीटर वाइड बफर जोन अराउंड डाउन साइड द हिल, और इसके दोनों तरफ 100 मीटर का एक बफर जोन बनाना चाहिए, तभी इसकी इकोलॉजी को हम लोग संभाल पाएंगे, इसकी इकोलॉजी को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं तो हम लोग करते हैं। और जो भी स्टेट्स है जहां से भी अरावली रेंज पास हो रही है, उन सब में होगा। और ये जो बैन है वो कोई परमानेंट बैन नहीं है, ये जो बैन है ये वैलिड परमिशन लाइसेंस जिनके पास पहले से था वो कर सकते हैं, बस नए लोगों को अभी नहीं दिया जाए, ठीक। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है इस न्यूज में। हिसाब से हमने अरावली रेंज देख लिया, इससे बहने वाली नदियां देख ली, और भी कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स देख लिए, लोकेशन देख लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के तरफ, जो कि हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे मेंस के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल क्या है कि एन एआई इन्फ्यूज्ड वर्ल्ड नीड्स मैचिंग साइबर सिक्योरिटी। जो एआई का वर्ल्ड है, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो वर्ल्ड है, इसको मैचिंग साइबर सिक्योरिटी से भी मैच करना पड़ेगा। क्या है भाई कि जो हमारा आज के डेट में हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुस चुका है, हमारा एजुकेशन हो, हमारा बैंकिंग सिस्टम हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हेल्थ केयर सिस्टम हो, हर जगह पे आज के डेट में ये अवेलेबल है कि कहीं ना कहीं से वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है। बट उस अकॉर्डिंग क्या हमने अपनी साइबर सिक्योरिटी को डेवलप किया है? क्या हमारी साइबर सिक्योरिटी उस लेवल पर डेवलप है कि अलग अलग तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज को, हैकिंग एक्टिविटीज को रोक सके? उसी के अराउंड ये आर्टिकल।
आर्टिकल स्टार्टिंग जो होती है वैसे तो ये यूएस की कहानी है, बट ये हम लोगों ने फिर अपने आसपास बहुत सारा देखा सुना है कि किसी का फोन आता है और वो किडनैपर अपने आप को पोज करता है और कहता है कि उसने आपके लड़के को या लड़की को किडनैप कर लिया है। हमारे यहाँ पे पुलिस वालों का कॉल आता है कि आपके लड़के को जो है अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, कितने सारे इंस्टाग्राम पे वीडियोस वायरल हुए ऐसे वाले कि पुलिस वाले फोन कर रहे हैं, पुलिस वाले बन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कॉल आ रहा है। ठीक है, पुलिस वाले क्यों फेक कॉल करेंगे ऐसे? कहा गया कि भाई उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है, ये बात हुई। अब जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ पता चला, तो ये पता चला कि ये तो एआई जनरेटेड बात, ये सिर्फ पैसा लेने के लिए पैसा एक्सट्रॉशन का एक टेक्निक था, ये तो सच्चाई थी ही नहीं। ठीक है, तो यही चीज के चलते ये वाले आर्टिकल का इंट्रोडक्शन ऐसे दिया गया है कि ताकि एक रिसेंट न्यूज बताया जा सके। तो जब हम अपना मेन आंसर लिखते हैं तो हमें भी इस तरीके के न्यूज को अपने दिमाग में रखना चाहिए ताकि हम उसको धीरे से वहां पे एक लाइन कोट कर सके। इट विल गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो साइबर थ्रेट्स है, सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट्स, ऐसे साइबर थ्रेट्स हैं जो आपको नॉर्मली राह चलते कोई चाकू भिड़ा के नहीं छीन रहा आपसे पैसे, ये दिमाग लगा के छीना जाओ, इसको रोकने के लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एआई जो है वो एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग हर जगह जा चुका है, और जितने जगह एआई गया उतने जगह साइबर अटैक का रिस्क भी साथ लेके गया। ये रिस्क जो है हम लोग अब इसको किसी तरीके से हमें न्यूट्रलाइज ही करना होगा। क्यों? क्योंकि जो एआई है वो 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक वर्ल्ड की जीडीपी को बढ़ाने की पोटेंशियल रखता है। ठीक है, और उसमें भी जो जनरेटिव एआई सॉल्यूशन है, जनरेटिव एआई सॉल्यूशन क्या होता है, जो नए किसी डेटाबेस को स्टडी करके, उसको जो फीडेड डेटा है उसको स्टडी करके, उसको एनालाइज करके कोई नया डेटा प्रोड्यूस करता है, वो होता है जनरेटिव एआई। जैसे चैट जीपीटी, चैट जीपीटी को कुछ डेटा फीड कर दिया गया है उसमें, अब उसी बेसिस पे आप कुछ उसको कमांड दोगे तो वो आपसे उसी हिसाब से बात करेगा। वही जनरेटिव एआई जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज होता है, वीडियोस बनाने में भी उसका यूज हो जाता है। तो ये जो जनरेटिव एआई है ना, ये विशियस साइकिल बना दिया है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि 1265 1265% इंक्रीज हुआ है फिशिंग इंसिडेंट्स का ईमेल के थ्रू या किसी और वे के थ्रू। फिशिंग मतलब जो जामताड़ा वेब सीरीज अगर देखी हो या सुना होगा, तो वही था ना उसमें कि किसी तरीके से फोन करके वो लोग बेवकूफ बना के बैंक वाले पोस्ट करके पैसे उठाते थे, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, और कितने परसेंट से बढ़ा है, 1265। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, कि पहले अगर एक होता था तो अब 1265 हो रहे हैं, मतलब ह्यूज 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 से भी ज्यादा ह्यूज जंप हुआ है। ठीक है, और 967% इंक्रीज हुआ है क्रेडेंशियल फिशिंग, इसमें भी लगभग 1000%। तो सोचिए ये कितना ज्यादा बड़ा एक थ्रेट है, खासकर भारत जैसे देश में जहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन में भी एक बहुत ह्यूज नंबर है जिनके पास प्रॉपर डिजिटल लिटरेसी नहीं है। अब मान लीजिए उनके पास ऐसा कोई कॉल आता है, वो तो पैसे दे देंगे, अब अगर वो पैसे दे देते तो नुकसान किसका है, हमारा ही है ना, हमारे ही देश का नुकसान है ना। अगर वो दूसरे देश का कोई हैकर हुआ तो, और हमारे देश का भी हैकर है, तो भाई जो उस इंडिविजुअल के साथ गलत हो गया, उस इंडिविजुअल ने 25-50 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए या जितना भी अमाउंट रेज वाले उसके पास अपने किसी खर्चे के लिए रखे थे, वो तो फालतू में बर्बाद हो गई, चला गया उसके पास, एक तरीके की चोरी हुई है, चोरी की तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये अलग तरीके की चोरी है, इसलिए इसका अलग तरीके का प्रोटेक्शन भी चाहिए। ठीक है, और क्या क्या कहा जा रहा है कि एक डीप इंस्टिंक्ट नाम संस्था है, उसने एक स्टडी की और उसमें कहा गया कि अराउंड 75% ऑफ प्रोफेशनल विटनेस विटनेस्ड एंड ऑब्जर्व्ड इन साइबर अटैक पास्ट ईयर अलोन।
मतलब कि 75% जो प्रोफेशनल्स हैं जो आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका देखना है कि साइबर अटैक्स पिछले एक साल में 75% बढ़ गया है और जनरेटिव एआई के चलते 85% बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सोचिए कि इस चीज के चलते रिस्क कितना बढ़ा है, रिवॉर्ड भी बहुत बढ़ा है, 7 से 10 ट्रिलियन का, तो रिस्क भी कितना बढ़ा है। दोनों चीजों को काउंटर बैलेंस कराने की जरूरत है। और जो जनरेटिव एआई है, ये धीरे धीरे मैच्योर होगा और कॉम्प्लेक्स बनते जाएगा, वो और बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, और ये स्टडी करने के चलते प्रॉब्लम भी है और अच्छी चीज भी है कि आप जैसे अगर उसने किसी बच्चे के बिहेवियर पर स्टडी किया, उस बेसिस पे वो उसके लिए प्रॉपर एक एजुकेशन मॉड्यूल या हेल्थ मॉड्यूल डिसाइड कर सकता है। बट अगर वो उसी बच्चे के बिहेवियर को, पैटर्न को एनालाइज करके उस बच्चे को मैनिपुलेट कर दे, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राउड को मैनिपुलेट कर दे, तो दैट विल बी एन इश्यू। वही चीज है कि डेंजरस इंसिडेंट्स जैसे वॉइस एक्टिवेशन डिवाइस गैजेट्स जो बन रहे हैं, ये बच्चों को प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए ग्रेव थ्रेट है, के थिंकिंग पैटर्न को ये कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे अब रियल टाइम फेस आइडेंटिफिकेशन हो गया, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो गया, इनके चलते प्राइवेसी भी खतरे है। आपको लग रहा होगा कि आप जहां पे अंगूठा लगा रहे हो या अपना फेस दिखा, फेस रिकॉग्निशन लगा रहे हो, वो सिर्फ वहीं तक सेवर नहीं है, वहां वी डोंट नो कि कहाँ कहाँ पे इसका डेटा कैसे कैसे लीक हो रहा है, और बहुत सारे जगहों पे ये सर्वेलेंस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि 70% प्रोफेशनल्स का ये भी मानना है कि इसके चलते प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, बट मैनिपुलेशन भी बढ़ा है, वल्नरेबिलिटी भी बढ़ी है, फिशिंग अटैक भी बढ़े हैं, वॉल्यूम ऑफ अटैक भी बढ़े हैं। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल में से 37% फिशिंग अटैक, 33% टोटल अटैक्स प्राइवेसी के ऊपर, ये सब सिर्फ जनरेटिव एआई के चलते हो रहा। ये एक इशू है जिसको हमें टैकल करना पड़ेगा। ये टैकल कैसे होगा? एक इंसान के जाने से तो नहीं होगा, इसके लिए पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को साथ आना होगा, पूरे ग्लोब को एक बन के काम करना होगा, और पूरे ग्लोब ने वो कोशिश की है। वो कोशिश का नाम है ब्लिटक्ले डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन में अलग अलग जितने भी देश थे, ये सारे देश आए और इन लोगों ने देखा कि सेफगार्ड करना होगा हमें कंज्यूमर्स को ऐसे चैलेंजेस से जो किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के चलते, एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते आ रहे हैं डिजिटल स्पेसेस में। इसके लिए जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो भी ग्लोबल लीडर्स हैं, उन सब ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। ठीक है, और इसको एआई सेफ्टी समिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, ये डिक्लेरेशन आपको याद रखना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एक तो प्रीलिम्स में आपसे मैच द फॉलोइंग वाला करके पूछ देगा कि कौन सा डिक्लेरेशन किस चीज में है, नगोया प्रोटोकॉल उसी में दिए हुए, उसी में आपको ये भी दे देगा एक। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि ये एआई से रिलेटेड है, और इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए, किन किन देशों ने एक्सेप्ट किया, क्या इंडिया ने किया है कि नहीं, तो जी हाँ, इंडिया भी उसका एक हिस्सा है, बिकॉज इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट। यहाँ आईटी सेक्टर हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्टर है, इसलिए इंडिया को तो इसमें रहना ही रहना है। यहाँ पे चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब यूएई, यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट, इन सारे देश इसमें आ चुके हैं। और इन लोगों ने क्या कहा है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पॉलिसी लेड एफर्ट करेंगे हम लोग, मतलब इसके लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम होगा, प्रॉपर पॉलिसी बनेगी और उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि कैसे इसके वाटर मार्किंग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ताकि कस्टमर को पता चल सके, वार्निंग इशू हो सके, कोलेबरेटिव अप्रोच को फॉलो किया जाएगा, सारे इंडस्ट्रीज से लेके एकेडमिशिया सब लोगों को लिंक किया जाएगा। ठीक है, और इनका जो इफेक्टिव फीडबैक होगा, रेगुलेशन होगा, उन सारी चीजों पे उसी अकॉर्डिंग आगे काम होगा। ठीक है, पर इन सबसे ज्यादा जरूरी है हमें डिजिटल अवेयरनेस फैलाना, सब लोगों को ये बताना कि भाई डिजिटली साउंड रहो, कुछ भी चीज आ जाए उस पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है।
क्योंकि अगर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो तो ये दुनिया ऐसी है कि आंख खोल के भी आप भरोसा नहीं कर सकते। आपका फेस बना के दिखा दिया जाएगा वीडियो पर, आपको लगेगा कि ये तो मेरे रिलेटिव का फेस है, मेरे दोस्त का फेस है, बट वो गलत होगा। इसलिए उसका आइडेंटिटी की क्रेडिबिलिटी, सोर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, इन सारी चीजों को क्लियर करना ही होगा। और सिर्फ गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरवेंशन से नहीं होगा, इसमें आपको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी लाना होगा, एनजीओ को लाना होगा, उनको इक्विप करना होगा साइबर लिटरेसी के साथ। मतलब टॉप डाउन अप्रोच, एकदम नीचे तक ग्राम सभा तक ये बात जानी चाहिए कि किस तरीके से डिजिटल लिटरेसी को आपको लोगों में फैलाना है, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान होगा सभी का। घरों से बैठ के लोग आपके घरों में चोरियां करेंगे और आप बस ताला लगाते रह जाएंगे, आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे, आपके आपका डेटा उड़ जाएगा। इसलिए इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब यही इस आर्टिकल में एंड था, बाकी तो कुछ वैसा कंक्लूजन में वही बात कही गई है कि इस पे हम लोग को अपनी कम्युनिटीज को एम्पावर करना होगा और ये सारी चीजें। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और ये लास्ट आर्टिकल है इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल को सिंपल वर्ड्स में समझो, वर्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ। ये प्रज्वल रेवन्ना कौन है ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट फिर भी चलिए एक बार जान लेते हैं कि ये फिलहाल सिटिंग एमपी है, हसन एक कॉन्स्टिट्युएंसी है उसके, ठीक है, जेडीएस पार्टी से बिलोंग करते हैं और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवागोड़ा के ये ग्रैंडसन है। इनके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुई है, क्यों? क्योंकि ये देश से भाग चुके हैं ऐसा कहा जा रहा है, ये म्यूनिच जर्मनी में जा चुके हैं और इनके ऊपर आरोप है कि बहुत सारी इनकी वीडियोस वायरल हुई हैं, लीक हुई हैं, जहां पे इन्होंने अलग अलग औरतों का, महिलाओं का, लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है। ठीक है, यौन उत्पीड़न मतलब सेक्सुअल अब्यूज के इनके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस आए हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं कहाँ पे था कि इनके ऊपर ये बहुत सारे केसेस आए हैं जो प्रज्वल रेवन्ना है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवगौड़ा सर के लड़के मतलब उनके ग्रैंडसन, कि सेक्सुअल अब्यूज के बहुत सारे केसेस आए हैं, थाउजेंड ऑफ वीडियोस हैं, ऐसी बात कही जा रही है कि थाउजेंड ऑफ वुमेन्स के साथ इन्होंने किया है, इसके चांसेस हैं। और इससे बचने के लिए उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके, जो कि सारे एमपी को मिलता है, उसका इस्तेमाल करके ये जर्मनी जा चुके। उसी के लिए इंटरपोल ने ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। कैसे जारी किया, कि हुआ क्या कि ये जब केस बना, ये जब भागे, ये जब बात डोमेन में आई, पब्लिक डोमेन में, तो उसके बाद जो इंटरपोल है उसका जो ब्रांच है भारत में वो है सीबीआई। और सीबीआई के पास केस जाने से पहले कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया कि एसआईटी का फॉर्मेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, और उस एसआईटी ने इस चीज में जब अपनी खोजबीन शुरू की तब वहां पे से ये बात आगे जाके ज्यादा खुलने लगी। तो हमारे लिए ये न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरपोल। तो इंटरपोल क्या है, इंटरपोल जो है वो इंटर गवर्नमेंटल लॉ को फॉलो करते हुए एक इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जो फैसिलिटेट करेगा कॉपरेशन बिटवीन द नेशनल लॉ एंड कॉम्बैट करेगा ट्रांस नेशनल क्राइम्स, बहुत जो दूसरे देशों में क्राइम करके, भारत में क्राइम करके कोई मान लीजिए अफ्रीका भाग गया या यूके भाग गया, तो उन पे ये काम करेगा। ठीक है, और ये क्रिमिनल्स को ग्लोबली पकड़ना, रोकना, देखना उनको, और सारे देशों को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इन्वेस्टिगेशन करना, फ्यूजिटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, डेटा सेंटर बनाना, ये इनका काम है। और इनका नेशनल सेंट्रल ब्यूरो भी होता है सारे देशों में, जैसे भारत में इनकी नोडल एजेंसी है सीबीआई, और
और इनका एक कलर कोडेड सिस्टम है, उसी बेसिस पे ये नोटिस जारी करते हैं। हम लोग सारे नोटिसेस के बारे में भी देखेंगे। ऑल्दो ये जो है कोई बाउंडेड चीज नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ किसी भी सॉवरेन कंट्री पे बाउंडेड नहीं होता, बट ये देश के डिस्क्रिशन पे है कि आप उस इंटरपोल को कितना फंक्शन करना दे रहे हैं। जब इंक्वायरी नोटिस आई प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर, तो उनकी आइडेंटिटी पता करने के लिए, उनका लोकेशन पता करने के लिए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पता करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस लाया गया। मतलब ब्लू कॉर्नर नोटिस का क्या काम है, ये एक इंक्वायरी नोटिस है जिससे आप आइडेंटिटी, लोकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड और बाकी की डिटेल्स पता करते हैं। ये रेड कॉर्नर नोटिस से अलग है। रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है कि वो जो जिस भी पर्सन पे रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, वो एक वांटेड होता है, वो एक वांटेड अपराधी होता है जिसके बारे में कोर्ट ने डिसीजन दे चुकी है कोर्ट, और उस पर कोई लॉफुल एक्शन होना हो। बट इनका तो अभी एलिगेशन है, कोर्ट में केस चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब जाके बातें खुलेंगी। ये जो केस कैसे गया था उनके पास, मैंने पहले ही बताया कि एसआईटी बनी थी, एसआईटी ने मदद ली सीबीआई से, और सीबीआई ने मदद ली फिर इंटरपोल से। क्यों? क्योंकि सीबीआई जो है वो नोडल एजेंसी है। और ये कहाँ चले गए, म्यूनिच। खैर ये बात हो गई, अब हम लोग एक बार इन नोटिस के बारे में देख लेते। तो रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो क्या है कि लोकेशन, अरेस्ट वारंट, किसका अरेस्ट करना है, किसका, वांटेड पर्सन का जो कि सिमिलर अनलॉफुल एक्टिविटी, लॉफुल एक्टिविटी में इंडेक्स। दूसरा है ब्लू कॉर्नर नोटिस। ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए है, उसकी आइडेंटिटी, लोकेशन और इनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। ग्रीन कॉर्नर नोटिस क्या है, ग्रीन कॉर्नर नोटिस है कि वार्निंग देने के लिए एंड इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के लिए किसी पर्सन के खिलाफ जिसने क्राइम कमिट किया है और वो दोबारा वैसी क्राइम कर सकता है, वहां पे ग्रीन कॉर्नर नोटिस जाता है। ठीक है, उसके बाद और कौन सा नोटिस है, इसका और है येलो कॉर्नर नोटिस। ये क्या है कि किसी मिसिंग पर्सन को खोजने के लिए, किसी माइनर को खोजने के लिए येलो कॉर्नर नोटिस जाता है। ब्लैक नोटिस जो है वो किसी अनआइडेंटिफाइड बॉडी के लिए जाता है। अलग अलग कलर कोड पे काम चल रहा है, देख लो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक नोटिस। फिर आ रहा है हमारा ऑरेंज नोटिस। ऑरेंज नोटिस क्या है, वार्निंग के लिए है, कुछ सीरियस क्राइम, पब्लिक सेफ्टी का काम, ऐसा कुछ हो सकता है, खतरा आ सकता है उस चीज पे। और ये पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस क्या है कि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनके मॉडस ऑपरेंडी को बताने के लिए, मेथड ऑफ क्राइम को बताने के लिए, ये पर्पल नोटिस। और है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, इसका क्या है, इशूड फॉर ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स हु आर टारगेट्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमिटी, जो उनके टारगेट्स होते हैं ये उनके लिए है। इस तरीके से हमने इन आर्टिकल्स को देख लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपको न्यूज एनालिसिस के साथ में यहीं पे मिलूंगा इसी टाइम पे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, अच्छे से इन आर्टिकल्स का आपको नोट्स बना के पढ़ना है। ओके, साइनिंग आउट ओजस शंकर।